अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। याले ठिको ना होशो। आज हम बात करेंगे उस कनाडा वाले बेगैरत के बारे में, उस दल्ले के बारे में, उस खंजीर के बारे में। राणा साहब, बाकी सब सारी चीजें तो आपने ठीक बोली है, लेकिन एक चीज में आप गलती कर गए। ये बंदा कनाडा में नहीं, यूके में रहता है। चल जा पे आगे का काम का जाके। अरे इतने इशारों के बावजूद अगर भाई आप लोग नहीं समझे कि हम किसकी बात कर रहे हैं, तो मैं बता देता हूँ। हम बात करने वाले हैं नदीम नानी वाले की, जिसकी पूरी जिंदगी कॉन्ट्रोवर्सी से भरी पड़ी है, फिर भी ये लोगों को उंगली करने से बाज नहीं आता। तो भाई इस बंदे के ऊपर आप सब लोग समझ रहे होंगे कि मुझे किस बात का गुस्सा है। तो भाई आपको भी मैं ये चीज दिखाता हूँ, जब आप देखोगे तो आप मुझसे ज्यादा डबल गालिए और आपको मुझसे ज्यादा डबल गुस्सा इसके ऊपर आएगा। दिल करे आप इसका सर ही फोड़ दो। टिकटॉक के जुनून में मुब्तला टिकटॉकर नदीम नानी वाला ने थैलेसीमिया के मर्ज में मुब्तला बच्चे के एहसास से खेलना शुरू कर दिया। नानी वाला ने बच्चे के घर बुलाकर इलाज का वादा किया और फिर बच्चे के वालिदैन का फोन अटेंड करना ही छोड़ दिया। मारूफ दा इतना भूखा है कि ये किसी भी औरत के साथ लाइक और फेम के चक्कर में सोकर उसकी वीडियो अपलोड कर देता है। यही नहीं, अभी और सुनिए। वीडियो मंजरियाम पर आने के बाद इसने बीमार बच्चे के वालिद का नंबर अटेंड करना ही छोड़ दिया, बल्कि उसका नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, जिस पर ये गरीब शख्स इलाज की उम्मीद लिए नदीम नानी वाला के घर पहुँच गया तो नदीम नानी वाला ने मिलने से ही इनकार कर दिया। ये बंदा और अभी हैदराबादी, इन दोनों के पास कोई टैलेंट नहीं है, लेकिन ना जाने कौन सी पब्लिक है जो इनको लाइक करती है। इन दोनों की टिकटॉक जब भी मेरे सामने आती है, मेरे तो दिल से सिर्फ एक ही आवाज आती है, तुहाडी महानी फुदी चलो मेरे लौड़े दे। ना तो मैंने इसकी कभी यूट्यूब पर वीडियो देखी है, ना मैंने कभी इसके टिकटॉक पर पूरी वीडियो देखी है। बहुत चंगा ना, मैं टिकटॉक तो खैर बखुद भी बनाता हूँ, लेकिन मेरे सामने अगर किसी कभी इसकी वीडियो आ भी गई या निकल भी आ गया, मैं तो एक ही बात बोलूंगा, मदर चोर। फिर ये बंदा कहता है कि जी मेरे पास बहुत सा टैलेंट है, सिवाय इसके नानी और उसके आईफोन के अलावा इसके पास कोई टैलेंट नहीं है। अगर देखना ही है तो फिर ठीक है, चाचा मुजरी से बात कर लेते हैं। ओवर टू यू चाचा मुजरी। हेलो, हाउ आर यू भैया? आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के सबसे घटिया, बल्कि नहीं चूतिया, बल्कि मादर चोर, या इनको जितनी गंदो वो कम है। जी आपने सही पहचाना, मैं बात कर रहा हूँ नदीम नानी वाले की। चचा यार इसका कैरियर कैसे बना ये तो बता दो जरा। इनका पूरा कैरियर ही चुतिया पे कंट्रोवर्सी की वजह से बना है। और इस बंदे की तो पहन चक्की खत्म होने का नाम ही नहीं लेगी। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना यार। प्लीज मेरे भी 1000 के अभी पूरे होने वाले हैं, तो पूरे कर दीजिए। चल जा पे आने का काम काज आगे। चैनल को सब्सक्राइब करने वालों के लिए प्लीज रिक्वेस्ट। बढ़िया, लव यू हो गया बड़ा बड़ा। नदीम नानी वाले के लिए जिन्नी तेरी कात उठे रह बाद आ खौती दे बचे है। तू पता की अपने ट्रीटो पाड़े जिथे जाओ आ जाएगा, तू भैन वखरी पेश कर देना, तू पागल नहीं है। हा, हा।